हे गाइस, आज हम एक वीडियो करेंगे। ये जो हमारे अकूस्टिक गिटार होते हैं, जो फुली अकूस्टिक होते हैं, जिनमें कोई एम्पलीफायर वाला कोई भी कनेक्टर हम नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी उनको कनेक्ट नहीं कर सकते हम एम्पलीफायर से, तो उसको हम इलेक्ट्रो अकूस्टिक कैसे बनाएं। एक तो आता है पिकअप, जो हम यहाँ पर लगाते हैं क्लिप ऑन वाला, जो यहाँ पर लगता है, ठीक है। या फिर दूसरा होता है एक, जिसमें इनबिल्ट एक वायर होती है, उसको हम यहाँ पे लगाते हैं एंड वो डायरेक्ट मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के, वो भी आप ले सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। अगर हमें सिंपल बनाना है, जैसे आपने ये देखा होगा जो हमारे सेमी अकूस्टिक गिटार होते हैं, इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार होते हैं, उनमें यहाँ पे जो ये वाली साइड होती है, यहाँ पे ये लगा होता है। बड़ी बारी आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे करके वो अंदर ही इसके अटैच्ड होता है, एंड यहाँ से ये वाली जो इसकी चीज़ है, इसमें हम अपना जैक लगाते हैं एम्पलीफायर वाला, और ये इसका यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है, कईयों का यही होता है, जैसे ये बेल्ट के लिए हमें बकल करने के लिए उसको यहाँ से, तो यहाँ पे होता है। तो यही हम आज पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसको हम कैसे इसमें फिट कर सकें, और इसी को हम, ये जो हमारा फुली अकूस्टिक गिटार है, इसको हम इलेक्ट्रो अकूस्टिक कैसे बना सकें। अब ये जो है, ये मैंने लिया कोई 700 रुपये का, क्योंकि मुझे जस्ट इसके लिए दिखाना है, ठीक है, और इसको हमें इलेक्ट्रो अकूस्टिक बनाना है। आप चाहें तो, अगर आपके पास महंगा वाला गिटार है, कोई 10,000 वाला या 15,000 वाला, तो आप महंगा वाला भी ले सकते हैं। फिशमैन का आता है, ठीक है, 1500 रुपये का होगा, या शायद ज़्यादा महंगा वाला भी ले सकते हैं, जिसमें माइक्रोफोन, अब इसमें क्या है कि इनबिल्ट ट्यूनर नहीं है, ये सिर्फ पिकअप के लिए है, एम्पलीफायर के लिए, ठीक है, कई होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गिटार है गाइस वॉल्ट का, वो वाला भी वॉल्ट का गिटार था, ये है वॉल्ट 360T, आप चेक कर सकते हैं इसको। इसमें वो चीज़ पहले से ही है जो मैं बोल रहा था आपको, ये एंड ये रही वो वाली। इसमें क्या है कि इनबिल्ट ट्यूनर नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें है, जैसे ये वाली जो, अगर हम इसको ऑन या ऑफ करेंगे, यहाँ से हम कोई भी स्ट्रिंग प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे इसमें इनबिल्ट ट्यूनर भी है, कौन सी स्ट्रिंग बज रही है, कैसे इसको ट्यून करना है, वो ये हमें बता देगा। इसमें वो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा महंगे वाला है, ये 2 या 2500 तक होगा, या शायद 3000 तक हो, ये 600-700 रुपये का, ठीक है, तो ये नहीं है इसमें। एंड यहाँ पे इसकी बैटरी पड़ेगी इस वाली जगह, अगर आपको लग रहा होगा यहाँ पे ऐसे करके, एंड बस इसी को हम वो वाले गिटार को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसका एम्पलीफायर वाला, यहाँ पे जाता वो कनेक्टर, ठीक है, वहाँ इस उसका हम यहाँ पे सुराख करेंगे, बड़े सारे गिटार्स का होता है वहाँ पे, बस ऐसे ही है ये, एंड वैसा इसको बनाने की कोशिश करेंगे उस वाले गिटार को हम। अगर आपको अच्छा लगे, आप वीडियो को लाइक करना, एंड हो सके तो आप क्या करना कि हमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना गाइस, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हमें बस ये ऐसे यहाँ पे फिट करना है, एंड हमें बस कट लेना है, उसको अच्छे से लेना है, एंड इतना इतना हिस्सा उसको कट करना है। अगर आप चाहो तो आपके पास अगर कोई गिटार वाली दुकान है, वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि वो ये करते हैं, या फिर किसी कारपेंटर के पास जा सकते हैं, वो सीधे ही ड्रिल जो होती है उसके आगे एक छोटा गोल वाला कटर आता है, वो इतना सा होता है, उससे ऐसे ऐसे आपको उससे पूरे उसका साइज मार्क करके कट लगा देंगे, देन फिट आप खुद भी कर सकते हो। तो अभी हम ट्राई करते हैं उसको करने की, देखते हैं। बस ये जो ट्यूनर है, इसको हम फिट करेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने ऑलरेडी, आप देख सकते हो, मैंने निशान पहले ही से लगा लिया हुआ। इसका भी मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप किस तरह से लगाओगे। सबसे पहले हमने अपनी ट्यूनर की गुलाई देखनी है कि हमारी गिटार पे कहाँ बैठ रही है, ठीक है। जैसे गाइज यहाँ से लेके बिल्कुल परफेक्टली बैठ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक गुलाई मैंने यहाँ से मार्किंग कर ली हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने निशान माना, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ माना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देन आपने करना ये है कि आपने जो यहाँ का हिस्सा है वो अंदर जाना चाहिए, और आपने गाइज ये यहाँ से लेके यहाँ इसको भी मार्क कर लेना है, सपोज अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्क कर लिया, ये गुलाई यहाँ पे यहाँ लेके, और सेम यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है गाइज, या निशान लगा के आपने यहाँ से लेके मार्किंग कर लेनी है, ठीक है, चारों साइड से, जो कि हमारा होल कंप्लीट हो चुका। उसके बाद हमने करनी है नेक्स्ट कटिंग, वो मैं आपको बताता हूँ।
इसके बाद हमने क्या करना है गाइस कि हमने अपना पिकअप बाहर निकाल देना अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए। अभी हमने अपनी स्ट्रिंग्स को लूज़ करना है, हमें इनको उतारना है दूसरी वाली साइड से, क्योंकि मेरी ये नई स्ट्रिंग्स हैं तो मैं फिर से इन्हीं को यूज़ करूँगा। आपकी अगर पुरानी हो गई है तो आप उतार लेना पूरी, ठीक है। अभी हमने इसको निकाल दिया, स्ट्रिंग्स को हमने निकाल दिया, ट्यूनर हमने साइड में रखा है। एक चीज़ हमें ये मिलेगी इसके साथ, आपने ध्यान रखना है, ये इसके पैक में ही होगी, इसके साथ एक वायर होगी और ये सैडल के नीचे लगेगा, जिससे हमें स्ट्रिंग्स जब हमारी बजेंगी तो आवाज़ तभी आएगी। ये इसका इसकी पिन है, ये यहाँ पे जाएगी पिकअप के पीछे। एंड हमने इसको प्लेस कहाँ करना है, सैडल के नीचे, ठीक है। ये मेन स्टेप है, इसको बड़े ध्यान से करना, सिर्फ दो ही सुराख नहीं करने हमें, एक ट्यूनर वाला एक एम्प वाला, एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से। सैडल हमने निकाला ये वाला, ठीक है, कुछ गिटार्स में पहले से ही होता है ये वाली जगह, वहाँ पे एक होल भी होता है, ठीक है, पहले होती है, इसमें नहीं है। हमने क्या करना, फाइलिंग भी करनी है, मतलब ताकि ये नीचे चले जाए पूरा प्रॉपर और उसके ऊपर हमारा मेन सैडल आए। एंड साइड में एक हमने सुराख भी करना है जो ऊपर से नीचे तक जाएगा, जहाँ से हमारी ये वायर जाएगी, एंड अंदर से वहाँ जहाँ हमारा पिकअप है वहाँ उसको कनेक्ट करेगी। आई होप आपको समझ आ रही है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम इसको सुराख करेंगे, ठीक है, यहाँ से पूरा इसको नीचे तक फाइल करेंगे ताकि ऊपर वाला उसके ऊपर आए सैडल। देन यहाँ से हमने डाल देना, ठीक है, वायर निकल गई वहाँ से अंदर से, और उसको हमने कनेक्ट कर देना वहाँ पे पिकअप के साथ। ये आ गया नीचे, फाइल किया हुआ हमने, ताकि जब हम सैडल लगाएं इसके ऊपर तो वो जैसा पहले था वैसा ही लगे, ठीक, कोई उसमें हमारा एक्शन हाई ना हो जाए, वैसे हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे एंड वो नीचे से चली गई वायर, सुराख हमने करना है स्क्रू ड्राइवर से या सीजर से। एंड देन बस वही चीज़ पिकअप से हमने उसको अटैच कर देना वहाँ से लगा के। ये हमारा छोटा सा सेटअप था ऐसे, ठीक है, ऐसे करके हमने इसको लगा देना है। एंड देन हम इसको डाल सकते हैं वहीं पे, सिंपल इजी। बस अब एक चीज़ क्या रहेगी, ये वाला सुराख, ये हम स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं, ड्रिल से भी कर सकते थे, ये हम यहाँ पे सीजर से ही कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रॉपर टूल के साथ करना, अपना एम वाला वो जो जैक है वहाँ उसको डाल के देखना कितना करना है, आराम से ध्यान से उसको करना, वुड ना ब्रेक हो जाए, बस ये लास्ट स्टेप है। ऐसे ये सारी चीज़ें होगी सिंपल ईजी, तो हमारा पूरा जो सेटअप है वो हो जाएगा, ठीक है। एंड हमने क्या करना है कि इस होल से अपना अंदर हाथ डाल के वहाँ से होल वाली, साउंड होल वाली जगह से, वहाँ से हमने एम्प वाला वो जो जैक होता है, ठीक है, जहाँ पे कनेक्शन जाएगा वो, उसको बाहर निकालना है। इसके ऊपर एक वॉशर होगी जो इसी पैक में मिलेगी ये वाली, इसको हम लगा के इसको हम टाइट कर देंगे, ठीक है। आप प्रॉपर इसको टाइट कर सकते हो, बस अब ये कहीं नहीं हिलेगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल एंड ईजी हमारा काम बन गया पूरा। एंड हम अब हमारा लास्ट स्टेप, हम ट्यूनर अंदर डालेंगे, सब कुछ हो चुका है अभी, ठीक है। यहाँ से ट्यूनर हमने डाल दिया, प्रॉपर हमने कटिंग की हुई है। एंड इसके बाद हमें नट मिले हैं इसके साथ चार, ठीक है, एंड हमने इसको नट लगाने हैं, आप प्रॉपर इसको लगा सकते हैं, हो सके तो साइड में थोड़ा सा ग्लू लगा लेना, बैटरी प्रॉपर चेक करना कि चल रही है, पहले ही चेक कर लेना ये सब करने से पहले, ठीक है। एंड अभी हम नट लगा देंगे, सिंपल ईजी सारे नट लगा देंगे, ये सेटअप हो गया पूरा कंप्लीट। एंड हमें इसके साथ एक डबल साइडेड टेप भी मिली थी, जिसमें हमने ऐसे, मतलब जो अंदर हमारी वायर्स हैं वो लटके ना, ये सब कुछ ना हो, तो सिम हमने, मतलब इसके अंदर वो वाली दोनों वायर्स डाल देंगे अपनी जो पिकअप के नीचे है, एंड इसको साइड में ऊपर कहीं चिपका देंगे, ये वाली दोनों वायर्स इसमें डाल के, और इसको बंद करके एंड उसको चिपका देंगे कहीं पे ऊपर, ताकि ये लटके ना नीचे। बस अभी हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया, वो जो सैडल वाला पार्ट था वो अच्छे से करना, हमने फाइलिंग भी करनी है, साइड में छोटा सा सुराख भी करना जहाँ से वायर अंदर जा सके, ठीक है। ये सब हो गया हमारे कनेक्शन, फर्स्ट स्टेप था यही। एंड ये सैडल वाला पार्ट ध्यान से करना बिल्कुल, एंड ये एंड वाला पार्ट, बस पूरा सब कुछ कंप्लीट। एंड अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स अपनी डाल लेंगे, वही जो हमने लूज की थी अच्छे से। तो बस गाइस ऐसे ही ये सारा कुछ चलेगा, हमने सब कुछ कर लिया, यहाँ पे हमने पिकअप फिट कर लिया अपना, यहाँ पे हमने एम्पलीफायर वाला वो जग यहाँ पे फिट कर लिया। एंड आपने नोटिस किया कि इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है, ईजी था। एंड आप क्या करना, प्रॉपर टूल्स के साथ करना, ऐसे नहीं जैसे हम कर रहे थे सीजर लेके कर दिया एंड इधर ये वाला होल। ड्रिल हम यूज़ कर सकते थे, बट हमने सोचा कि शायद ये क्रैक ना हो जाए पूरा ही, अगर हम ऐसे ड्रिल करेंगे आगे पीछे
वो कुछ हो ना जाए, इसलिए आप प्रॉपर टूल से करना या फिर बाहर ले जाना, कोई शॉप या कारपेंटर कोई भी होगा वो करते होंगे ये वाला काम, हमारे यहाँ पे तो नहीं करते थे इसलिए हमने खुद किया। और जो मेरा दोस्त है ये बड़ा कैपेबल है इन चीज़ों में, ये आसानी से कर देता है, इसीलिए मैंने उसी से मतलब करवाया। आप भी किसी से करवाना, खुद तभी करना जब दो तीन आप लोग होंगे, ठीक है, एंड ईजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, इतने झमेले में नहीं पड़ना आपको, कोई टेंशन नहीं। ऐसा भी पिकअप आता है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये यहाँ पे लग जाता है इस टाइप से, ऐसे करके। हाँ, मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है मेरा यामाहा F310 वाला रिव्यू, देखना, ऐसे इस ऐसे करके यहाँ पे लग जाता है, फिट हो जाता है, इसको हम फिट कर देते हैं। ये जो इसके साथ वायर होती है सिंपल सी इजी, एंड ये डायरेक्ट यहाँ पे चले जाती है जो हमारा ये एम्पलीफायर वाला जैक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाली हुई, बस सिंपल आपको नहीं इतना झमेला करना, ये सब नहीं करना, गिटार ख़राब भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी करना जब आप श्योर होंगे, ठीक है। तो और ये सिंपल 300-400 रुपये का आता है। अभी क्या है, अभी ये देखो ये वाली वायर है पूरी, मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल इजी ऐसे कर, एंड इसको हम डालेंगे यहाँ पे, पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं एम्पलीफायर को, एंड सिंपल हम इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, जहाँ कनेक्ट किया, बस अभी हमारा जो आवाज़ आ रही है वो वहाँ से आ रही है, एंड इसको भी आप चेक कर सकते हैं चल रहा है नहीं, बैटरी वाला दबा के कि ये चल रहा है या नहीं। जब आप इसको यहाँ पे बैटरी डालें, पहले जब ये चीज़ आएगी आपके पास पूरी प्रॉपर, जब ये एक्सटर्नली होगी बाहरी डिब्बे में होगी, तो बैटरी डाल के ऐसे यहाँ से दबा के देख लेना कि ये चल भी रहा है या नहीं, ऐसे चेक करके, इसका मतलब ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट शुरू करना, ऐसा ना हो आप सब कुछ कट कर दो बाद में ये सब चले ना, तो सिंपल ईजी, ठीक है। और एंड ये वाली जो चीज़ थी ना, ये वाला कट ध्यान से करना, हमें ये इतना मतलब इतना ही एक इसके नीचे वो जो ब्लैक वाला था मैंने आपको दिखाया वो चीज़ डलेगी, तो फाइल अच्छे से करना, ये ना होगी एक साइड यहाँ से आप ज़्यादा डीप कर दो, यहाँ से थोड़ा कर दो, एंड जब सब कुछ हो जाए छोटा सा स्क्रू ड्राइवर से या किसी से भी लेके सुराख करना जहाँ से हमारी वो तार वो जो कनेक्टर छोटा सा जाना था जो यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होना था, ठीक है, वही पिकअप कर रहा है असली साउंड, एंड एक एक स्ट्रिंग की साउंड सुनाई दे रही है, एंड यहाँ पे बड़े सारे इफेक्ट्स हैं, बेस ट्रेबल ये वाले आप यूज़ कर सकते हैं, इस एम्पलीफायर में भी है, ये वॉल्ट का ही एम्पलीफायर है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आसानी से हम कर सकते हैं बड़ा कुछ सिंपल। ज़्यादा इजी है रादर देन ऐसे वो पिकअप शिकअप लेने हैं वो सब लेने, ठीक है। तुही मेरा शर्मा, तुही ना मुझे मिल पाया, कभी तेरी चलसी जाती, कुछ तो मुझसे खफा, कुछ मैं भी काश के अब होश में हम आ
तो बस ऐसे ही ये सब चलेगा गाइज, आप इसको चेक करना अगर आपको अच्छा लगे। ये सब केबल्स एंड वो सब आपको मंगवाना पड़ेगा अगर आप ये सब करेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग। ऐसे ही आपको और कुछ वीडियोस चाहिए, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नहीं समझ आती, कोई एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही, मेरे को ज़रूर बताना, हम वो सब करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग। पुराने वीडियोज़ भी देखें, नए वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।